नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। समर्थ सहारा न्यूज में हम वो खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको सीधा जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांव बरगवा में ग्राम चौपाल कर सहरिया आदिवासियों में चर्चा की। यहाँ पर उन्होंने कई घोषणाएं की, जिनमें सहरिया आदिवासियों के लिए बिजली बिल केवल 100 रुपए किया गया, आदिवासियों के कर्ज माफ किया गया है, सहरिया लोगों के लिए अनेक योजनाएं दी गई, साथ ही रसूखदार लोगों ने और गरीब चाहे किसान रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट कितना था एक बार सुनो। जिला पंचायत आए अभी तो ये जिनको दिया है कितना दिया है, मकान कितने पूरे हुए वो बताए उन्होंने। इस साल के अभी जो चल रहा है पुराना वो बता, ठीक ठाक बने होगा चेक किए, ठीक है बाकी पूर्ण होगा इसकी चिंता करें। और ये जो शहरिया वाले कुछ मकान आए तो उनका क्या हुआ? हाँ टाइम नहीं तुम्हें पूछता, वो चेक कर रहे हैं सीताराम जी, चेक कर करो जरा मैदान में जाके देखो कार्यकर्ता के साथ सब बढ़िया बनना चाहिए। देखो अपनी सरकार है, जवाबदारी अपनी है। लोगों के यहाँ रखे गरीब के गहने जमीन व कर्ज के माफ किए जाने के लिए घोषणा की गई। वहीं रसूखदार द्वारा कर्ज वसूली किए जाने पर 3 वर्ष की सजा और 1,00,000 जुर्माने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी परिवार के घर पहुंचकर भोजन किया कुंभकारों से पैच। वहीं कुछ कारणों से शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को दीपावली पर कुछ सामान भी खरीद कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट समर सहारा।